हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो कैसे हो आप लोग। सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है व्हाई नॉट मी, और ये बुक लिखी है अनुभव अग्रवाल ने। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 6, और यहाँ से शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 7 की, और इस चैप्टर का नाम है इज दिस लव। अब होता क्या है ना, ये लोग बातें कर रहे होते हैं और नंबर भी एक्सचेंज हो गया होता है, खाली अनुभव ने दिया होता है नंबर, जोया ने कोई नंबर नहीं दिया होता। तो जैसे ही वो अलीगढ़ पहुँचती है ना, जैसा उसने कहा होता है कि वो उसको मैसेज करेगी, तो फिर वैसा ही करती है। तो जोया की तरफ से ना एक अननोन नंबर से मैसेज आता है अनुभव को, तो अनुभव ना पहचान लेता है, तो उससे लिखा हुआ होता है ना हेलो जी। तो जो अनुभव होता है ना, वो कहता है कि रीच्ड जोया जी। अब ना उसको इतना पता चल चुका था कि भाई जब उसने ये रिप्लाई करा तो वो ना पक्का एकदम शॉक्ड हो गई होगी कि इसको कैसे पता चला कि इसको, मतलब उसने पहचान कैसे लिया। अब वो ना जो जोया होती है वो उधर से रिप्लाई करती है कि तुम्हें कैसे पता ये मैं हूँ, सच सर बताना, तुम्हारे पास मेरा नंबर था ना अब तक। तो जो अनुभव होता है वो कहता है नहीं, मुझे नहीं पता था, बस मैंने एक खाली गैस किया और कुछ भी नहीं। अब जो चीज़ें थी ना वो बहुत ज़्यादा वियर्ड थी, और जो फीलिंग्स थी ना वो भी बहुत ज़्यादा वियर्ड हो रही थी। अब उसको खुद को नहीं पता था ये क्या है, लेकिन जैसे जैसे वो उसके साथ बात करना शुरू कर रहा था ना, उसको और ज़्यादा उससे प्यार होता जा रहा था। और ना वो अपने दिमाग में एक बॉलीवुड स्टाइल की तरह रोमांटिक चीज़ें सोचा करता था कि कैसे वो उसके साथ होगा। जैसे बॉलीवुड के गानों में दिखाते हैं कि भाई पूरा आसमान नीला है, काफ़ी अच्छी सी शाम है, यू नो, पीछे से वायलिन बज रहे हैं, डांस हो रहा है, यही सब उसको लगता था। उसको लगता था ना कि वो भी उसके साथ ऐसा ही करेगा। वो इमेजिन करता था कि जब लोग पहली बार मिलेंगे तो पार्क में भाग रहे होंगे, तितलियों को पकड़ रहे होंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, और ना उसको डर भी लगता था कि मैं हाथ पकड़ लूँगा कहीं मुझे डांट ना दे जोया। तो यही सब चीज़ें उसको लगती थी, और उसको ना एक चीज़ लगती थी कि अगर भाई हो सकता है कि वो दूसरे शहर में चली गई हो, लेकिन जोया हमेशा उसके दिल में और दिमाग में हमेशा उसके पास में थी। और वो कहते हैं ना कि भाई कई बार ऐसा होता है जो हमारे बीच का डिस्टेंस होता है ना, वो मैटर नहीं करता जब हम इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट हों। और वो शायद इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गया था उससे, लेकिन वो शायद इंटरेस्टेड नहीं थी, या हो मे बी, लेकिन डरती हो, ये चीज़ अनुभव को नहीं पता थी। और एक दिन ना फाइनली उसने डिसाइड करा कि अब भाई वो ना ये सब कुछ बातें अपने अंदर नहीं रखेगा, और कुछ ना कुछ तो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उसको नहीं बताएगा तो वो अपने आप को हर्ट करता रहेगा। और बात होती है 16 अप्रैल 2012 की। अब वो क्या कहता है ना, वो उससे बात करते करते ना उसको समझ नहीं आता वो क्या करे, और वो सोचता है ना कि अब मैं इससे थोड़ी ना दूरी बना लूँगा, और सडनली क्या करता है, बात करते करते गायब हो जाता है बीच में से ही। और वो उसका ना उसके दिल और दिमाग में लड़ाई चलती रहती है। जो उसका दिमाग होता है ना, वो कहता है कि भैया इससे दूर हो जा ताकि तेरे दिल को हर्ट ना हो, लेकिन जो उसके दिल में फीलिंग्स थी ना, वो क्योंकि वन साइडेड थी, जोया ने अभी तक कुछ भी ऐसा कहा नहीं था, लेकिन वो फिर भी चाहता था कि उससे बात करे ना करे, यही सब उसके दिमाग में चलता रहता है। और अगर वो बता भी देगा तो शायद वो उसको एक्सेप्ट भी ना करे। अब उसको समझ नहीं आता वो क्या करे, क्योंकि भाई उसको पता होता है कि जो उनके कल्चरल बैकग्राउंड्स है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे, शायद इसी वजह से वो उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। अब वो ना उसको मैसेज भेजती रहती थी, फॉरवर्ड जोक्स भेजती थी, लेकिन ये रिप्लाई नहीं करता था। और 4 दिन के बाद अप्रैल 2012 की बात है, उसने डिसाइड करा कि भाई फाइनली अब वो नहीं सुनेगा। और वो डिसाइड करता है कि ना जो भी मेरे दिल में है मैं अपनी सारी फीलिंग्स उसको बता दूंगा, कि जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है। और वो क्या करता है ना, अपने प्यार को कन्फेस करने का पूरा इरादा ठान लेता है। अब वो क्या करता है, वो मैसेज टाइप करता है कि जोया मैं कुछ तुमसे कन्फेस करना चाहता हूँ, पिछले कुछ दिनों से जब से मैं बात तुमसे करना शुरू करा था ना, तभी से मैं चाहता था तुम्हें बताना, लेकिन कभी भी ना मेरे दिल में इतनी हिम्मत नहीं मैं तुम्हें कुछ बता पाऊँ, और मुझे डर लगता था कि अगर मैं शायद तुम्हें बता दूंगा तो तुम मेरी दोस्ती भी ख़त्म कर दो। हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बदल चुकी हैं, एटलीस्ट मेरी तरफ से तो बदल ही चुकी हैं। मुझे नहीं पता ये सब कुछ फीलिंग्स वैलिड हैं या नहीं है, लेकिन मैं अभी और कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं कैसे भी कंट्रोल करूँ आप ही बताओ। और जो फीलिंग्स है ना, वो जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही हैं। आई लाइक यू जोया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और मैं तुम्हें लाइक ही नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करना भी शुरू कर दिया। और मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है कि आपने किसी पर्सन को देखा भी नहीं है, आप उससे प्यार करने लगे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना ये सबसे प्योरेस्ट काइंड ऑफ लव है, बिकॉज आप जैसे हो मैंने आपसे प्यार किया है, ना कि आपके लुक्स से। अब वो ना ये मैसेज भेजता है, और ये मैसेज भेजने से पहले ना उसने 3 बार तो टाइप किया होता है अलग अलग चीज़ें, लेकिन फाइनली वो ये मैसेज भेज देता है। और वो सोचता है ना कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, और ना बस आखिरी में बिना सोचे बस भेज देता है। अब ना जैसे ही वो मैसेज भेजता है ना, उसके दिल से ना एक बहुत बड़ा बोझ होता जाता है, उसका जो दिमाग होता है वो भी रेस्ट लेता है कि भाई चलो कुछ तो सही हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये भी लगता है कि मैंने गलती तो नहीं कर दी, पता चले मैंने ही मैसेज भेज दिया, जो मेरी थोड़ी बहुत बातें भी हो रही थी वो भी ख़त्म हो जाए। और वो क्या कहता है ना, अंकित को मैसेज भेजता है कि भाई क्या तू मेरे घर आ सकता है, तो अंकित कहता है ना मैं आता हूँ भाई, जल्द आता हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ।
अब वो ना अपने माइंड को समझाता है जो उसने भेज दिया होता है। अंकित उसके घर में आता है, उसको सब कुछ बताता है, वो उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं करता, अंकित बस उसकी बात सुनता है अच्छे से अनुभव की। और फिर वो लोग ना ऐसी बातें बातें करते हैं। अब रात को क्या होता है ना, उसका फ़ोन बजता है, तो जोया होती है ना, उधर से मैसेज आया होता है वाई, सिर्फ वाई लिखा होता है क्वेश्चन मार्क के साथ। अब उसको ना समझ नहीं आता पहले तो, लेकिन वो समझ चुका था कि भाई वो कन्वर्सेशन सिंगल वर्ड से स्टार्ट कर रही है। फिर वो जोया दोबारा से मैसेज करती है, वो कहती है कि क्या हम दोस्त नहीं रह सकते क्या, इतना मुश्किल है क्या दोस्त बनना, और ये तुम्हें सब कुछ ख़राब क्यों करना यार, तुम्हें मुझसे प्यार ही क्यों हुआ, तुमने मुझसे कहा था ना तुम बाकी लड़कों की तरह नहीं हो, तुम डिफरेंट हो, ठीक है, मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम भी बाकियों की तरह हो, जैसे सारे लड़के हैं ना वैसे तुम भी हो, तुम उनमें से बिल्कुल भी अलग नहीं हो, और ऑनेस्टली ना मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट तो कभी भी नहीं किया था। अब भैया अनुभव के पास ना हर क्वेश्चन का जवाब था जो भी उसने कहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकता, वो समझता था कि वो क्या चाह रही है, एंड अगर वो कुछ जवाब देता ना तो खाली वो अपनी फ्रेंडशिप को भी ख़त्म कर देता, कुछ ऐसा हो जाता। अब वो ना बहुत ज़्यादा रोना चाहता है, उसको समझ नहीं आता वो क्या करे, तो वो क्या करता है ना अंकित को कॉल करता है, और अंकित जब आता है ना तो बहुत रोता है, उसको बस ये लगता है कि भाई मतलब ये मेरे प्यार को समझ ही नहीं रही, और खूब रोता रहता है। और वो ना जोया का मैसेज ने कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करा था, और वो इमोशनली ना उसने आज तक कभी भी अनुभव ने किसी भी लड़की से इतना इन्वेस्ट नहीं करा था जितना जोया के लिए किया, और पहली बार उसको लगा था कि शायद उसको प्यार हुआ है, लेकिन ये सबसे उसका वर्स्ट नाइटमेयर था जो उसने सोचा था। और उसने ना एक चीज़ तो सोच ही ली थी उस दिन कि जो फ्रेंडशिप होती है ना वो हमेशा प्यार से ऊंची होती है, क्योंकि भाई ये उसके दो एक्सपीरियंस चल रहे थे ना, ये उसको सीखा वो इस चीज़ों से, क्योंकि जो जोया थी और अंकित थी उन्होंने इसको पता चल चुका था कि भाई जो उसको सपोर्ट मिल रहा है ना वो इन्हीं चीज़ों से मिल रहा है, तो लेकिन अब उसको पता था भाई ये स्टूपिडिटी तो कर चुका है, मैसेज उसने भेज दिया था प्यार वाला, अब क्या कर सकते हैं। अब अगले दिन ना जब वो स्कूल से वापस आता है तो अपना बैग साइड में फेंकता है, फटाफट अपने रूम में जाता है, अपना फ़ोन चेक करता है कि कहीं जोया को मैसेज तो नहीं आता, लेकिन ना उसको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, उसका कोई भी मैसेज नहीं होता। और जब उसका मैसेज आता है ना तो बहुत नॉर्मली वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, उसे मैसेज आता है हेलो जी हाउ आर यू, 10 मिनट बाद ना रिप्लाई आता है जोया का कि मैं ठीक हूँ तुम कैसे हो, तो अनुभव कहता है मैं भी ठीक हूँ। अब उन दोनों में से ना किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया होता कि जो भी कल था वो लोग उस चीज़ को भूल चुके थे, और कहीं ना जो जोया का बिहेवियर था वो भी थोड़ा बदल चुका था। अब वो ना मतलब बात करने की ना खुशी नहीं थी, इच्छा जाहिर नहीं करती वो कि ऐसे कुछ वर्ड्स का यूज़ करे कि लगे कि हाँ वो बात करने में इंटरेस्टेड है, और कहीं ना इनकी कन्वर्सेशन ना फीकी हो चुकी थी बिल्कुल। अब जो अनुभव होता है ना वो कहता है जोया मैं बस तुमसे इतना कह रहा हूँ ना कि अपने आप को चांस दो मेरे लिए, ठीक है, और हो सकता है क्या पता कुछ अच्छी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में वेलकम करें, क्योंकि भाई तुम भी प्यार डिज़र्व करती हो, तुम भी खुशी डिज़र्व करती हो। अब जो जोया होती है ना वो कहती है अनुभव अगर मैं कोशिश भी कर लूँ ना तो ये कैसे बेनिफिट होगा ये बताओ, और सब कुछ ना एक दिन तो ख़त्म ही हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती हूँ अगर बाद में ख़त्म हो तो इससे पहले आज ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर बाद में चीज़ें ख़त्म होंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा। अब जो अनुभव होता है ना वो कहता है देखो जो प्यार होता है ना वो बेनिफिट्स और लॉस के साथ कभी नहीं आता, बस प्यार हो जाता है, इसके साथ कोई कंडीशंस नहीं होती, कोई गाइडलाइंस नहीं होती, और प्यार हमारे कंट्रोल में भी नहीं होता। अब ना उसके पास कोई वर्ड्स नहीं होते, वो कैसे इन चीज़ों को एक्सप्लेन करे कि प्यार क्यों हुआ कब हुआ, लेकिन जो जोया का दिल था ना वो काफ़ी हार्ड था, और उसको लगता था नहीं उसने एक दीवार बना रखी है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब हर दिन के साथ बढ़ती जा रही थी कि वो अनुभव से थोड़ी दूरी रख रही थी, और जैसे जैसे ना जोया दीवार बना रही थी कहीं ना कहीं जो अनुभव था ना उसको और ज़्यादा प्यार उससे होता जा रहा था और उसकी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा था, और वो ना सब कुछ ट्राई करता है लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, और लास्ट में बस उससे प्यार ही कर पाता है, और हर दिन के साथ साथ उसका प्यार उसके लिए बढ़ता जा रहा था। तो ये था इस चैप्टर में, एंड इसके बाद शुरू होता है नेक्स्ट चैप्टर। सो अब यहाँ से शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 8 की, और इस चैप्टर का नाम है विल आई नेवर नो वट यू साउंड लाइक। जो अनुभव होता है ना वो उसको मैसेज भेजता है जोया को कि चलो ठीक है ये जो प्यार वाली चीज़ें हैं ना इनको साइड में रखते हैं, क्या मुझे कभी पता चलेगा कि तुम्हारी आवाज़ है भी कैसी, क्योंकि जो अनुभव होता है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब उतावला होता है, उसको सुनना होता है कि भाई जिस लड़की से मैं बात कर रहा हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ जो कि अनुभव की तरफ से है उसकी आवाज़ कैसी है ना, वो मन में सोचता है ना इसकी आवाज़ कितनी अच्छी होगी ना, और वो अपने मन में सोचता है ये मतलब सबसे खूबसूरत आवाज़ होगी इस दुनिया की, ऐसा सोच रहा होता है। अब जो जोया होती है ना हमेशा की तरह उसको डिप्लोमेटिक आंसर देती है कि जब सही वक्त आएगा ना तो इस चीज़ का भी सही वक्त होगा तभी बात हो पाएगी। अब जो अनुभव होता है ना उसको पता चल चुका होता है, इसने फिर से मना कर दिया, और ये मतलब अपने कैसे जवाब देती है यार, ये सही वक्त कब आता है उसको तो ये समझ ही नहीं आता, और उसको लगता है ना जो जोया है ना वो खाली बस मतलब ना चीज़ों को आराम से ले जाने की कोशिश करती है, वो चाहती है कि अनुभव मुझे और चेस करे, और यू नो वो ऑलरेडी उसको प्यार हो चुका है, लेकिन अनुभव को पता था कि भाई वो चाहे कितना भी आसानी से जाने की कोशिश करे
लेकिन वो ना बिल्कुल अपनी चीज़ों पे अड़ा रहेगा, और जब वो पहली बार उसकी वॉइस सुनेगा ना, जो उसका पूरा शरीर है ना, उसके पूरे जितने शरीर के सेल्स हैं सब मेल्ट हो जाएंगे, इतनी अच्छी आवाज़ होगी। अब बचपन से ही ना जो अनुभव था उसको सब कुछ मिलता था, जो एक बार कहता था ना वो चीज़ उसको हमेशा से मिल जाती थी। लेकिन उसको पता था जो जोया के साथ केस है ना उसका, उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। उसको जोया का प्यार पाने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली थी, और उसको ना बिल्कुल भी आसानी से ये चीज़ें मिलने वाली नहीं थी। उसको लगातार परसिस्टेंस रहना पड़ेगा और एफर्ट्स तो दिखाने पड़ेंगे भैया, अगर वो प्यार करता है जोया से तो। और वो ना बिल्कुल तैयार था कि भाई जो भी उसको कॉस्ट आएगी ना इस प्यार को पाने के लिए, वो ये सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ें डिस्टर्बिंग थी ना वो ये थी कि वो ये चीज़ें ना किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था, क्योंकि भाई जब एक अंकित ही ऐसा बंदा था जिसको जोया के बारे में बताया था अनुभव ने। लेकिन सबसे ख़राब बात ये थी, जो अंकित था ना वो अभी भी सेंट पॉल में पढ़ता था, और जो अनुभव है उसने डीएमए में एडमिशन ले लिया था। अब जो उनके स्कूल की टाइमिंग थी वो भी बदल चुकी थी, ट्यूशन का टाइम बदल चुका था, और तो अब अंकित को इन दोनों के पास टाइम ही नहीं होता था ये ज़्यादा एक दूसरे से मिल सकें या बात कर सकें। अब अनुभव की क्लास में ना एक लड़की होती है जो कि उसकी दोस्त बन चुकी होती है, जिसका नाम होता है मेघा। तो मेघा पूछती है ना, अनुभव मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें प्यार कभी होगा, क्या तुम कभी रिलेशनशिप में आओगे, और ना थोड़ा मजाक करके पूछती है क्योंकि उसको भी जोया के बारे में पता होता है। अब जो ये मेघा होती है ना, इससे डीएमए में मिला होता है, ये छोटी और स्वीट सी लड़की होती है, इसके ना घुंघराले बाल होते हैं, एक ना स्माइल होती है बड़ी प्यारी सी, और कभी ना सपने में भी किसी को ये हर्ट करने का तो सोच ही नहीं सकती है, इवन अपने वर्ड से भी नहीं। अब जो अनुभव होता है ना वो कहता है, अच्छा देखो मैं तुम्हें ना अपने बारे में कुछ बताता हूँ, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जो रिलेशनशिप में आना चाहता है जस्ट फॉर द सेक। रिलेशनशिप एक टेम्प्रेरी चीज़ है, मुझे पता है, मुझे ना ऐसा चाहिए, मैं ऐसा प्यार करना चाहता हूँ जो कि जिसके ऊपर किताबें लिखी जाएं। अब ना ये थोड़ा सरकास्टिक सा मैनर में कहता है। अब जो मेघा होती है ना वो कहती है, ओहो अरे मैं खाली मजाक में पूछी थी, सीरियस लो मतलब मुझे ये बताओ, और ना सीरियस नोट मैं ये पूछूं, जो इस लड़की से भी ना तुम्हें प्यार होगा वो लड़की ना बहुत ज़्यादा लकी होगी। अब ये मेघा ना बिल्कुल ऑनेस्टी से ना रिप्लाई करती है उसको कि भाई हाँ ऐसा ऐसा होगा। अब जब वो स्कूल से आता है ना तो वो नोटिस करता है कि जोया का कोई भी मैसेज नहीं आया होता। अब ये देख के भाई उसको चिंता भी होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो जब अलीगढ़ में रहती है, अकेली रहती है, तो शायद मैसेज कर सकती थी, क्योंकि लोग हर दिन बातें किया करते थे। अब वो डिसाइड करता है ना कि वो खुद ही मैसेज भेजेगा, और मैसेज भी क्या भेजता है कि जोया जी मैं भी जब आपको टेक्स्ट करता हूँ ना तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, और जो हमारे बीच का डिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और वो ना बार बार अपना फ़ोन चेक करता है थोड़ी थोड़ी देर में कि शायद जोया का मैसेज आया नहीं आया, और फाइनली 30 मिनट बाद ना उसको मैसेज आता है कि सॉरी यार मैं ना बिजी थी आज स्कूल में और मैं तुम्हें ना मैसेज नहीं कर पाई। अब जो अनुभव होता है ना वो कहता है, क्या तुम ठीक तो हो ना जोया, आज तुम ना बड़ी लो सी साउंड कर रही हो। अब ना ये अनुभव को पता चल चुका था मैसेज पढ़ के कि ना आज इसका मूड ठीक नहीं है, लेकिन इसने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, और वो ना उसको पता होता है कि भाई ये कन्फेस नहीं करना चाहती मेरे सामने। तो जो जोया होती है ना उधर से मैसेज भेजती है, लो नहीं तो तुम्हें क्या क्यों फील हुआ, मैं तो बहुत ठीक हूँ, इनफैक्ट मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अब उसको पता होता है अनुभव को कि ये ना ऐसे मानने वाली नहीं है, ना ये कुछ ऐसे बताएगी। उसको सेम काइंड का रिप्लाई एक्सपेक्ट था कि वो ऐसे ही करने वाली है, लेकिन जो अनुभव था ना वो भी अपनी ज़िद पर अड़ा रहा, वो उससे बार बार पूछता रहा कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। फाइनली उसने 10 मिनट बाद ना जोया ने सच बताया कि वो ना आज अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। तो जोया उससे कहती है ना, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो मैं कैसे पता कि आज मैं उदास हूँ, जबकि मैं तो सिर्फ कुछ मैसेज ही लिखा था, और तुम्हें वो कैसे पता चल गया कि मैं आज सैड हूँ। अब ना ये पढ़ के तो मैसेज अनुभव को अच्छा भी लगता है कि भाई चलो मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और अनुभव उसको मैसेज भेजता है ना कि जब आप किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हो ना तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, और इवन मैसेज लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप पता लगा लेते हो, और यहाँ तो मैसेज की बात ही नहीं थी, मेरे अंदर कहीं ना कहीं दिल से आवाज़ आ रही थी कि तुम ठीक नहीं हो। अब बात होती है 2 मई 2012 की, 4:31 का टाइम होता है, और आई थिंक ये ना सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि जोया को लगता था कि शायद कि अब ये जो बंदा है ना अनुभव मेरी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेगा, और काफ़ी इम्प्रेस भी हो गई थी वो इसकी कन्वर्सेशन से, और ना वो बस इम्प्रेस करना चाहता था, ठीक है शायद हो भी गई हो गॉड नोज। तो क्या करता है ना, वो उसको सबसे खुशी देने का दिन था ये। अब वो क्या मैसेज भेजती है ना कि लिसन क्या तुम रात को आज 8 बजे फ्री होगे, ऐसा वो क्वेश्चन पूछती है, और ना जो अनुभव होता है ना वो भाई मैसेज क्या करता है ना, मैसेज करना चाहता है कि हाँ मैं क्यों नहीं फ्री होऊंगा यार, तुम तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, मैं तुम्हारे लिए तो हमेशा फ्री हूँ। लेकिन ना वो सोचता है कि अगर मैं ऐसा मैसेज करूंगा ना तो ये तो ऐसा लगेगा कि मैं कितना मतलब ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा एकदम इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ और एकदम उतावला हूँ मैं इसके लिए। अब वो ना सिचुएशन को सोचता है कि भाई कैसे डील करना है, और वो ना थोड़ा सा रिलैक्स होकर ना कहता है, मैसेज भेजता है कि कोई भी डरने की बात नहीं है अनुभव,
उसने सिर्फ इसलिए पूछा शायद वो तुझसे बात करे शायद ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको यकीन नहीं आ रहा होता ना कि कितना एक्साइटमेंट है उसकी ज़िंदगी में, लेकिन वो ना मैसेज में दिखाना नहीं चाहता कि कितना एक्साइटमेंट है वो, और वो अपनी एक तरीके से ना अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, इतना खुश होता है वो और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, नाच रहा होता है इधर उधर। अब वो क्या कहता है ना, थैंक यू ज़ोया जी, तुमने ना मेरा दिन बना दिया और मेरा दिन ना इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ये सबसे ऐसा एक्साइटिंग पार्ट है मेरी दिन का और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता मैं इतना खुश हूँ। अब वो चाहता तो है ये वो वाला मैसेज भेजे, लेकिन अगर ये मैसेज भेज देता तो उसको लगता कितना डेस्परेट बंदा है ये, ठीक है, और कितना पागल सा लड़का है मैं इससे बात कर रही हूँ। तो वो क्या करता है ना, वो बस इतना ही भेजता है उसको, हाँ हाँ क्यों नहीं डेफिनेटली, एंड मैं तो तुम्हारे लिए फ्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ना हो सकता है ये थोड़ा डम सा साउंड करे, लेकिन उसने यही मैसेज भेजा होता है, एंड जैसा उसने कहा होता है ना, वो उसको 8 बजे रात को कॉल करती है, और उसका जब फ़ोन बजता है ना तो वो अपनी मम्मी की किचन में हेल्प करा रहा होता है, वो भागता हुआ आता है, और भागते भागते जब आ रहा होता है ना तो 2-3 बर्तन भी गिर गए होते हैं, जिसकी वजह से उसकी मम्मी से डांट भी बहुत पड़ रही होती है पीछे से, लेकिन भैया डांट खाना तो बनता है। और जब वो फाइनली फ़ोन उठाता है ना तो दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज़ सुनता है, और उस आवाज़ में आता है हेलो, और जैसी वो आवाज़ सुनता है ना वो तो बिल्कुल एकदम पिघल सा जाता है, और उसको लगता है कि हाँ भाई मैंने जिस लड़की का इतने साल वेट किया, मतलब जितने टाइम से उससे मैं बात कर रहा हूँ वेट किया, ये वर्थ तो है। और जो उसकी वॉइस थी ना वो और ज़्यादा स्वीट थी जितना उसने इमेजिन किया होता है, और उसको ऐसा लगता है ना जैसे इसकी आवाज़ को किसी ने ना शहद में डुबो दिया हो, ऐसी प्यारी आवाज़ आ रही थी, और ना उसको सुन के बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे ना पीछे वॉयलिन बज रहे हो, डांस चल रहा हो ना, बॉलीवुड टिपिकल बॉलीवुड मूवीज़ की तरह। और उस दिन ना इन लोगों ने 50 मिनट लगभग बात करी होती है, और उस 50 मिनट के दौरान ना इन लोगों ने सब कुछ बात किया होता है कि बचपन कहाँ बीता, अपने बारे में बताती है, रिलेशनशिप के बारे में बताती है, परिवार के साथ कैसी हैं, उसके फ्रेंड्स कौन कौन हैं, और ऐसी पूरी कन्वर्सेशन में चलता रहता है। और वो उसको ये भी पता चलता है कि भाई ये अपने घर की ना लाडली लड़की है, और जो ज़ोया है ना वो पढ़ाई में बचपन से बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जब वो नर्सरी क्लास से लेके जब 12th तक थी तो उसकी पढ़ाई बहुत लेवल उसका अच्छा था, जॉइंट फैमिली में ये लोग रहते थे, और उसके घर वाले ना काफ़ी प्रोटेक्टिव थे, और तो जो उसका बड़ा भाई था ना जैन, उसने बिल्कुल उसको बहुत अच्छे से पाला पोसा, जब उसके पापा चले गए तो उसके बाद जो भी जो उसका जैन था ना उसका भाई, उसके भाई ने उसको भाई की तरह नहीं एक बाप की तरह पाला, जो भी उसकी ज़रूरतें थी सारी पूरी करी, और वो ना काफ़ी प्रोटेक्टिव थे, इसलिए अलीगढ़ में जब वो थी तो उसको ना हर टाइम कॉल करके पूछते रहते थे कि कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है हमारी बेटी को। अब जो ज़ोया थी ना वो ऐसी थी जो कि प्यार डिज़र्व करती है, उसको बहुत प्यार मिलता था उसकी फैमिली से, स्पेशली उसके फादर से, लेकिन ना उसकी जो उसका जो प्यार का एक्सपीरियंस था ना वो अच्छा नहीं हुआ था, तभी ये रीज़न था कि वो थोड़ी ना प्यार से दूर रहती थी, और उसने अपना दिमाग बना लिया था कि भाई अगर उसको प्यार होगा तो उसको बस सिर्फ और सिर्फ पेन मिलेगा और कुछ नहीं, जबकि ये सच नहीं था, ये अनुभव को भी पता था कि भाई ये सच नहीं है, क्योंकि अगर आपका एक प्रीवियस रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस बैड रहा है तो आने वाली रिलेशनशिप भी ख़राब होंगी, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो समझाना, वो उसको पता था कि अभी टाइम नहीं है कन्वेंस करने का ये चीज़ों का, लेकिन वो कहीं ना थोड़ी चीज़ों को समझाता था उसको, क्योंकि उसको पता था ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। अब उसकी कन्वर्सेशन ना ये लोग चलती है, वो बताती है कि भाई अब उतने में क्या होता है ना, उसके भाई का कॉल आ जाता है, ज़ोया के भाई का, तो उसको कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट करने से पहले ना जो अनुभव होता है ना वो उसको एक लास्ट लाइन कहता है, वो लिखता कहता है ना कहता है वो कहता है ज़ोया मुझे पता है तुम प्यार करने से डरती हो और तुम अपने पापा को भी ना बहुत ज़्यादा मिस करती हो, और मुझे पता है जो भी वो लॉस है ना तुम्हारे पापा का वो कभी कोई फुलफ़िल नहीं करता, कोई फुलफ़िल नहीं कर सकता, ठीक है, तुम अपनी लाइफ में हमेशा बहुत ज़्यादा मिस करोगी अपने पापा को, ये मुझे पता है मैं समझ सकता हूँ, बट मैं तुम्हें ये भी कहना चाहता हूँ ना कि मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जो तुम्हारी एडवांटेज लेगा, रहता मैं पूरा अपना दिलो जान से तुम्हें ये चाहूँगा कि तुम प्यार डिज़र्व करो, मैं तुम्हें वो प्यार दूंगा ना कम ना ज़्यादा। तो ये था इस वीडियो में, एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।